Hello students, this is our 9th lecture of the fire claim accounts in which we are going to solve the short sales वाला सम जो पॉलिसी का नाम क्या है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी वो वाला सम हमने लास्ट में भी किया था बट यहाँ पे थोड़ा चेंज आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे थोड़े एडजस्टमेंट दिए जाते हैं उसके हिसाब से चेंज करके हमें फाइंड करना है तो यहाँ पे हेडिंग लिखा है व्हेन देयर इज अ चेंज इन परसेंटेज ऑफ द नेट प्रॉफिट एंड सेल्स तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट और सेल्स में थोड़ा बहुत चेंज आएगा उसके रिगार्डिंग एडजस्टमेंट दिए गए हैं और उसके रिगार्डिंग हमें सम सॉल्व करना है सो वी आर स्टार्टिंग विद द प्रैक्टिकल नंबर 28 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द लॉस ऑफ द प्रॉफिट डेट ऑफ द बायर indemnity period 4 months amount of the policy the net profit for the last financial year 44,000 fixed expense of the last financial year 1,24,000 that is standing charges also known as a fixed expense sales of the various period is given right now adjustment is given The sales for the year 2011 shows a reduction of 10% over the sales for the year 2010. The rate of the profit on the sales for the year 2011 shows the reduction of the 2% over the profit for the year 2010. The expense incurred to mitigate loss was 2000. Right? So, we are starting with the calculation of practical number 20. सबसे पहले हम लिखेंगे डेट ऑफ फायर कौन सी डेट पे आग लगी थी तो 1/4/2011 राइट इंडेमनिटी पीरियड क्या है इंडेमनिटी पीरियड है 4 मंथ का राइट तो पीरियड का टाइम पीरियड क्या होगा 1/4/2011 to 4/5/4/5/6/7 दैट मीन्स 31/7/2011 इंडेमनिटी पीरियड का टाइम लैग क्या है 1/4/2011 to 31/7/2011 राइट इसके दौरान सेल्स कितना हुआ है इंडेमनिटी के दौरान सेल्स कितना हुआ है वो हमें फाइंड करना है टू फाइंड आउट द सेल शॉर्ट सेल्स राइट तो हम स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन कर लेते हैं स्टेप 1 क्या है शॉर्ट सेल का फॉर्मूला क्या है प्रीसीडिंग ईयर का जो भी टाइम पीरियड है उसमें से इंडेमनिटी पीरियड का सेल्स हम माइनस करेंगे तो हमारा इंडेमनिटी पीरियड है 1/4/2011 to 31/7/2011 उसका कॉरेस्पॉन्डिंग प्रीवियस ईयर का सेल कितना होगा उसमें से ये माइनस करना पड़ेगा तो वी हैव टू फाइंड सेल्स ऑफ 1/4/2010 to 31/7/2010 तो 1/4/2010 से 31/7/2010 तक प्रीवियस ईयर दैट इज आवर प्रीवियस ईयर इस टाइम में सेल्स कितना था तो लास्ट में बहुत सारे डेट के साथ सेल्स दिए गए हैं राइट और हमें चाहिए 1/4/2010 से लेके 31/7/2010 दैट इज 4 लाख बट हियर एडजस्टमेंट इज गिवन फॉर द सेल ऑफ द ईयर 2011 शोज द 10% रिडक्शन ओवर द सेल्स ऑफ रुपी सेल्स ऑफ द ईयर 2010 का सेल्स है उसमें 10% क्या करना है रिडक्शन करना है तो 1/4/2010 से लेके 31/7/2000 तक का सेल्स था 4 लाख उसमें हम 10% रिडक्शन करेंगे दैट इज 40,000 इट विल कम 3,60,000 राइट उसमें से हम सेल्स माइनस करेंगे सेल ऑफ द इंडेमनिटी पीरियड दैट इज 1/4/2011 to 31/7/2011 ये सेल दिया गया है 50,000 अल्टीमेटली
शॉर्ट सेल कितना आया? 3,10,000। शॉर्ट सेल एक बार और समझाती हूँ कैसे फाइंड करना है। जिस पीरियड में इंडेमनिटी पीरियड है, यानी कि आपको आग लग गई उसके 4 महीने तक आपको सेटअप करने में लगा, राइट? तो उसी 4 महीने का सेल्स, प्रीवियस ईयर का उसी 4 महीने का सेल्स में से इंडेमनिटी पीरियड का सेल्स जो भी हुआ है वो हमें माइनस करना। अल्टीमेटली प्रीवियस ईयर कुछ भी नहीं था, एज इट इज़ नॉर्मल था, तो 4 लाख रुपीज़ हम अर्न कर रहे थे। यहाँ पे सिर्फ 50,000 ही अर्न हुए, यहाँ पे तो रिडक्शन है इसलिए रिडक्शन किया। अल्टीमेटली शॉर्ट सेल्स कितना हुआ? 3,10,000। तो स्टेप वन हमने फाइंड कर लिया शॉर्ट सेल। स्टेप टू है परसेंटेज। परसेंटेज फाइंड करने हैं 2 टाइप्स के। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के हिसाब से हमें परसेंटेज फाइंड करने हैं। ग्रॉस प्रॉफिट के हिसाब से उसके लिए फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला लिखते हैं नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जेस और फिक्स चार्जेस। सो फिक्स चार्जेस दिए गए हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे फिक्स चार्जेस और फिक्स्ड एक्सपेंस डिवाइड बाय सेल ऑफ प्रीवियस ईयर, राइट? नेट प्रॉफिट हमें दिया गया है 44,000, फिक्स एक्सपेंसेस गिवन 1,24,000 एंड सेल ऑफ द प्रीवियस ईयर। सो प्रीवियस ईयर का सेल्स दिया गया है बट वो इन टोटल दिया गया नहीं है, तो पहले वो हमें फाइंड करना पड़ेगा, तो वो फाइंड कर लेते हैं। सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1/1/2010 टू 31 December 2010। सो इतने पीरियड का हमें सेल्स चाहिए, राइट? सो यहाँ पे देख लेते हैं कि 2010 के सेल्स कितने दिए गए हैं, दैट इज 1, 2 एंड 3। यानी कि जनवरी से लेके मार्च तक 3 लाख रुपीस, अप्रैल से लेके जुलाई तक 4 लाख एंड अगस्त से लेके दिसंबर तक 1 लाख। सो कितने हुए? 3 लाख प्लस 1 लाख 4 लाख 4 लाख प्लस 4 लाख 8 लाख। तो प्रीवियस ईयर का सेल्स कितना हुआ? 8 लाख। समझ में आया? हमने प्रीवियस ईयर का सेल्स जितना था उसका सभी का टोटल किया, हमें अलग अलग दिया गया था सो हमने क्लब कर लिया, राइट? नेट, अब फॉर्मूला में पुट करते हैं सभी वैल्यू। नेट प्रॉफिट है 1,24,000 डिवाइड बाय 8 लाख मल्टीप्लाई विथ 100, सो वी कैन फाइंड आउट द परसेंटेज, राइट? 44 लाख प्लस 1,24,000 डिवाइड बाय 8,000 मल्टीप्लाई विथ 100, आंसर विल कम 21%। कितना आया? 21%। व्हेन एडजस्टमेंट इज गिवन, दैट इज द रेट ऑफ द प्रॉफिट ऑन द सेल्स फॉर द ईयर 2011 शोज द रिडक्शन ऑफ द 2%। ये 2010 के रिगार्डिंग हमने जो परसेंटेज फाइंड किए हैं वो किसके ईयर के लिए है? 2011 के लिए है, और 2011 में 2% रिडक्शन हो जाता है, राइट? तो अल्टीमेटली आंसर केम रेट ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर 2011 इज 19%, राइट? तो यहाँ पे रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 2011 के लिए थोड़ा कम होता है तो वो हमने कम कर लिया। अब अगेन परसेंटेज फाइंड करना है, राइट? ऑन द बेसिस ऑफ सम इंश्योर्ड, राइट? अब ये फाइंड करना है और दोनों परसेंटेज में जो लोएस्ट परसेंटेज होगा वो हम कंसिडर करेंगे, राइट? सो उसका फॉर्मूला क्या है? सम इंश्योर्ड डिवाइड बाय सेल ऑफ 12 मंथ्स बिफोर द फायर मल्टीप्लाई विथ 100। सो पॉलिसी कितने की ली है? तो पॉलिसी ली है 63,000 की। द अमाउंट ऑफ द पॉलिसी वॉज 63,000 एंड सेल ऑफ द 12 मंथ्स
बिफोर द डेट ऑफ द फायर, यानी कि जिस दिन आग लगी है उसके पहले 12 मंथ्स की, राइट? तो डेट ऑफ द फायर कौन सी है? 1/4/2011, उसके 12 मंथ पहले. सो उसके 12 मंथ पहले का ईयर कब स्टार्ट होगा? वो स्टार्ट होगा 1/4/2010 टू 31 December 2011. ये 12 मंथ्स होंगे. समझ में आ रहा है आपको? जिस दिन आग लगी है उसके पहले 12 महीने, राइट? सो वो कब स्टार्ट होंगे? सो 1/4/2010 टू 31 December 2011. यहाँ पे जो सेल्स था वो प्रीवियस ईयर का सेल था, और हमारा प्रीवियस ईयर स्टार्ट हो रहा है 1/1/2010 से. बट यहाँ पे 12 मंथ्स लेने हैं, बट किस डेट से? जिस दिन आग लगी है उसके पहले से, राइट? तो वो ईयर स्टार्ट होता यहाँ पे 1/4/2011 था, उससे एक साल पहले ऑब्वियसली इट विल कम 1/4/2010, राइट? सो इसके अगेन इस डेट से लेके इस डेट तक 12 मंथ्स का हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? सेल फाइंड करना पड़ेगा. अगेन यहाँ पे बहुत सारी एडजस्टमेंट दिए गए हैं, तो वी विल कैलकुलेट फ्रॉम 1/4/2010. सो हियर इट इज 1/4/2010 टू 31/7/2010, दैट इज 4 लाख. देन 2000, यहाँ पे 7 मंथ कंप्लीट हो गया, यहाँ पे 8 मंथ से लेके दिसंबर तक, दैट इज 1 लाख. यहाँ पे दिसंबर कंप्लीट हो गया, हमें चाहिए मार्च तक. सो 1/1/2011 से लेके 1/4/2011, दैट इज 2 लाख. सो अल्टीमेटली आंसर कितना आया? 4+1, 5, 5+2, 7 लाख. सो सेल ऑफ द 12 मंथ बिफोर द फायर इट विल कम 7 लाख, राइट? सो सम इंश्योर्ड इज 63,000. 63 सम इंश्योरेंस है. और एक एडजस्टमेंट और भी दिया गया है, दैट इज 10% रिडक्शन इन द 2011 ऑन द बेसिस ऑफ द 2010. सो 2007 लाख है, उसमें 10% रिड्यूस करेंगे, दैट इज 70,000, राइट? इट विल कम 6,30,000. 10% रिडक्शन जो हमने यहाँ पे भी किया था 40,000 का, सेम ईयर में हम 7 लाख का 10% अगेन रिडक्शन करेंगे, 70,000, इट विल कम 6,30,000. अब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे सम इंश्योरेंस 63,000, सेल ऑफ द 12 मंथ्स बिफोर द टिल द डेट ऑफ द फायर इट विल कम 6,30,000 मल्टीप्लाई विथ 100, इट विल कम 10%. सो लास्ट में स्टेप नंबर 3, अमाउंट ऑफ क्लेम. अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल्स टू शॉर्ट सेल. शॉर्ट सेल्स कितना है? 3,10,000 मल्टीप्लाई विथ लोअर ऑफ द बोथ द परसेंटेज 19% एंड 10%. ऑब्वियसली 10% इज लेस, इट विल कम 31,000. अमाउंट ऑफ क्लेम 31,000 ऑन द बेसिस ऑफ द शॉर्ट सेल्स प्लस मिटिगेट एक्सपेंस, सॉरी फायर मिटिगेट एक्सपेंस इज गिवन ऑफ ₹2,000. अल्टीमेटली अमाउंट ऑफ द क्लेम विल बी 33,000 इंक्लूडिंग द एक्सपेंस. अंडरस्टूड? Now we will solve the sum number 32B. This is 32B. From the following information of the Anandi, prepare a statement showing the amount of the claim of the loss of the profit. Date of fire 1/7/2010. Indemnity period 4 months. Business was disturbed for 3 months. Here the two times is given. First is indemnity period 4 months and business was disturbed for the 3 months.
इंडेमनिटी पीरियड शोज इन द इंश्योरेंस पॉलिसी ऑल्सो इन insurance policy, right? But the business was reserved for the 3 months. So we have considered the 3 months only. क्योंकि 4 महीने तक indemnity period था, but actual में business कितने महीनों तक disturb रहा है? सिर्फ 3 महीनों तक. यहाँ पे अगर 7 month होते तो हम 4 month ही consider करते, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? Insurance की बात कर रहे हैं. तो insurance जो भी कंपनी होती है वो मैक्सिमम इंडेमनिटी पीरियड 4 months देती है. अगर उससे कम है तो कम, क्योंकि हमारे 3 month में तो सेटअप हो गया है, यानी कि 4th month में हमने तो सेल्स स्टार्ट कर दिया होगा. सो सब हम कंसिडर करेंगे सिर्फ 3 month. अगर इससे ज्यादा होते तो इंडेमनिटी पीरियड तो 4 month का ही है, तो इंश्योरेंस कंपनी 4 month के ही लिए लेती. बट यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे 3 months, क्योंकि 3 months के अंदर हमने सब कुछ कवर कर लिया है. नेट प्रॉफिट इज गिवन 1 lakh, स्टैंडिंग चार्जेस 20,000, सम इंश्योर्ड 1,25,000, डेट ऑफ द वेरियस सेल्स इज गिवन रिगार्डिंग द इंडिविजुअल डेट. सो लेट स्टार्ट द कैलकुलेशन. डेट ऑफ फायर कितनी है? 1/7/2010. इंडेमनिटी पीरियड है 4 month, देन एक्चुअल डिस्टर्ब पीरियड दैट इज 3 months. So we consider this 3 months starting from 1/7/2010 to 1/9/2010. 3 months हुए, sorry यहाँ पे 30 आएगा. 3 month complete हुए, 7, 8 और 9th पूरा. तो यहाँ पे indemnity 4 month है, but हम consider करेंगे 3 months. Period है 1/7/2010 to 30/9/2019. अब हम स्टेप नंबर 1 शॉर्ट सेल फाइंड करेंगे. इसी पीरियड का प्रीवियस ईयर का सेल्स देखेंगे. सो 1/7/2009 सेल ऑफ 1/7/2009 to 30/9/2009. इस डेट के दौरान सेल्स कितना था? तो वो हमें दिया गया है. सो एग्जैक्टली ये डेट तो दी ही नहीं है कहीं. 1/1/30/6, देन 1/1/9, देन 30/9, ये दोनों डेट दी गई हैं. बट हमें डेट चाहिए 1/7 से लेके 30/9 तक. सो यहाँ पे 30/9 है, यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे? तो देखिए डेट कितनी दी है, दैट इज 1/1/2009 to 30/6/2009 के 2 lakh रुपीज हैं. देन 1/1/2009 से लेके 30/9/2009 तक 4 lakh है. यहाँ पे कितने मंथ्स हैं? फर्स्ट से लेके 9 months का, यानी कि ये 9 months का है, राइट? और यहाँ पे 1 से लेके 6 month का है, राइट? और हमें कितने मंथ का चाहिए? 3 महीने का, राइट? तो टोटल ऑफ द 9 months, फर्स्ट मंथ से लेके 9 month का टोटल 4 lakh रुपीज है. उसमें से 1 से लेके 6 month तक, यानी कि 30/6 तक कितना है? 2 lakh रुपीज है. और हमें चाहिए 1/7 से, यानी कि इसके पीछे से लेके टोटल तक, तो यहाँ पे 4 lakh है और इतने आगे का पीरियड का 2 lakh है, तो बाकी का कितना होगा? 2 lakh. ऑब्वियसली टोटल 9 months दिए गए हैं, 6 month के 2 lakh है, तो 3 month के कितने होंगे? सो टोटल 4 lakh है, यहाँ पे उसमें से 2 lakh माइनस हो जाएंगे, तो ये 3 month के कितने होंगे? ऑब्वियसली 2 lakh रुपीज, राइट? सो सेल
ऑफ 1/7/2009 से 30/9/2009 तक सेल्स होगा 2 लाख रुपीस। उसमें से इंडेमनिटी पीरियड का 1/7/2010 से लेके 30/9/2010 तक का सेल्स दिया गया है 1 लाख रुपीस। टू लैख माइनस 1 लैख, 1 लैख आया, ये क्या है? शॉर्ट सेल। अब हम स्टेप नंबर 2 करेंगे, परसेंटेज फाइंड करेंगे। पहला परसेंटेज फाइंड करेंगे बेसिस ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड चार्जेस और फिक्स्ड एक्सपेंस डिवाइड बाय सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई विथ 100। अब सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर अलग अलग डेट दी गई है, हमें उसका क्लब करना है। पहले तो सेल्स ऑफ द प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? सेल ऑफ प्रीवियस ईयर, ईयर स्टार्ट होगा 1/1/2009 से लेके 31/12/2009 तक, राइट? सो 2009 के 3 सेल हैं, 1/1 से लेके 6, देन यहाँ पे 4 लाख है, बट हम कंसिडर करेंगे 2 लाख क्योंकि ये 3 महीने का 2 लाख है। और 1/10 से लेके 13/12 तक, दैट इज 2 लाख। सो 2 लाख प्लस 2 लाख प्लस 2 लाख, 6 लाख। एक बार और समझाती हूँ, 1/1 से लेके 30/9 तक का टोटल, सॉरी 30/6 का 2 लाख रुपीस दिया गया है, बाद में 1/1 से लेके अगेन 30/9 तक का दिया गया है, बट हमने 1/1 तक का तो काउंट कर लिया है। सो यहाँ पे जो हमने पहले ये मंथ फाइंड किए थे उसी हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे 30/6 आ गया, उसके बाद आएगा 1/7/2 39। सो वो हमने पहले ही फाइंड किया था, उसका आया था 2 लाख। सो यहाँ पे अगेन 2 लाख आएगा, उसके बाद आएगा 1/10/2/31 December, उसका भी कितना है? 2 लाख। टोटल कितना आया? 6 लाख। कोई भी रिडक्शन नहीं है, इसलिए डायरेक्ट हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। नेट प्रॉफिट इज गिवन 1 लाख है, 20,000 फिक्स्ड एक्सपेंस है और टोटल सेल्स है 6 लाख रुपीस, मल्टीप्लाई विथ 100। सो 1,20,000 डिवाइड बाय 6 लाख मल्टीप्लाई विथ 100, 20%। राइट? अब हम बी फाइंड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सम इंश्योर्ड। फॉर्मूला क्या है? सम इंश्योर्ड डिवाइड बाय सेल ऑफ 12 months मल्टीप्लाई विथ 100। ये कौन से 12 months हैं? बिफोर द डेट ऑफ द फायर। अब अगेन स्टार्ट करेंगे, डेट ऑफ द फायर क्या है? 1/7/2010। उसके 12 महीने पहले, तो 12 महीना कब स्टार्ट होगा? 12 महीने कब से स्टार्ट होंगे? 2010 आएगा। तो 1/7/2009 से लेके 30/6/2010 तक आएंगे 12 months। अगेन दिस मंथ की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, किसकी? अगेन सेल की। सो 1/7/2009
से लेके 17/2009 से लेके 38/6/2009 के जो हैं सेल्स वो 2 लाख रुपीस हैं. देन 1/10/2009 से लेके हमें इंफॉर्मेशन दी गई है 31/12/2009 तक की, उसका भी कितना है 2 लाख रुपीस. दिसंबर के बाद आएगा 1/1/2010 से लेके 38/6/2010, दैट इज 1 लाख रुपीस. यहाँ पे 12 मंथ्स कंप्लीट हुए, 7 to 9, 9 to 12 एंड 1st to 6th, राइट. टोटल हुए 2+2+1, 5 लाख. अब हम फॉर्मूला में पुट करते हैं, सब इंश्योर्ड है 1,25,000, सेल्स फॉर द 12 मंथ्स इज 5 लाख रुपीस, मल्टीप्लाई विथ 100. 1,25,000 डिवाइड बाय 5 लाख मल्टीप्लाई विथ 100, इट विल कम 25%. नाउ अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल्स टू शॉर्ट सेल्स मल्टीप्लाई विथ परसेंटेज विच इज लोएस्ट. सो हियर इट्स अ 20 and 25. 20 इज अ लोएस्ट, सो वी taken its consideration 20%. Short sale is 1 lakh. So amount of claim aaya 20,000. Expenses diye gaye hain to mitigate the fire. Nahi, expenses nahi diye gaye. So ultimately our answer of the amount of the claim of this insurance policy will be 20,000. Understood? Thank you.